जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिव पुराण का 9वां अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आपने लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शत रुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इनको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विदेश्वर रुद्र संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्पट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अतः करण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतीय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। यहीं पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।